हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को देखेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे जिससे कि आपका ये टॉपिक आसान हो जाए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वोल्टेज स्रोत क्या है। स्रोत जिससे हम लोग एनर्जी को लेते हैं करंट और वोल्टेज के रूप में। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वोल्टेज सोर्स यहां पे हम लोग दो प्रकार के देखेंगे। एक आपका डीसी ग्रुप में सभी लोग जानते हैं और दूसरा होता है आपका एसी ग्रुप में। तो यहां पे हम लोग क्या देखें कि जनरली हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक डीसी और दूसरा एसी। ठीक है, तो दिष्ट धारा स्रोत डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, इससे हम लोग डीसी डायनामो से प्राप्त करते हैं। डीसी डायनामो यहां पे देख रहे हैं, डीसी डायनामो और एसी डायनामो में अंतर क्या होता है इस वीडियो में भी समझ जाएंगे। तो यहां पे एक देख रहे होंगे, डीसी डायनामो में दो वायर बाहर की तरफ निकलेंगे जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होंगे और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, और इसे दो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, दो मैग्नेटिक पोल्स, एक आपका साउथ पोल होंगे और दूसरा आपका नॉर्थ पोल होंगे, और इसे रोटेशन किया जाता है। तो इसे जो आउटपुट मिलते हैं वो डीसी मिलते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग समझेंगे क्या कि यहां से जो वायर निकले हुए हैं ये दोनों वायर, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, सॉरी स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। तो जब डायनामो में स्प्लिट रिंग जुड़े होंगे तो इससे जो सोर्स प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, डीसी सोर्स प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पे हम लोग यह समझ रहे हैं कि डीसी सोर्स जो है हम लोग यहां से बैटरी के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और ये आपका ये जो जिसको हम लोग पेंसिल बैटरी बोलते हैं वो है। सिंबल के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका एसी का सोर्स है, ऐसे होता है साइनसॉइडल की तरह, और ये आपका डीसी का सोर्स है जिसमें टर्मिनल फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग यहां देख रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। तो ये जो हम लोग के देख रहे हैं ये फिगर, ये आपका क्या है, एसी डायनेमो का है। ठीक है, और एसी डायनेमो में आपका जो रिंग होंगे वो स्लिप रिंग होंगे। कैसा रिंग होंगे, स्लिप रिंग, जैसे एक वायर का ये स्लिप रिंग होगा तो दूसरे वायर का स्लिप रिंग इस तरह से होता है, यानी कि इसमें इसको जो बोलते हैं ये होता है आपका स्लिप रिंग। ठीक है, ये होता है आपका स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग से जो हमारा सोर्स प्राप्त होते हैं वो किस तरह का होते हैं, एसी नेचर का होता है। ठीक है, और यहां पे जो ग्राफ देख रहे हैं ये हमारा ग्राफ किसका है, एसी का है। एसी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ क्या करे, वैरी करे। एसी का डिफिनेशन कैसे देंगे, एसी का डिफिनेशन कैसे देते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ क्या करे, वैरी करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसी सोर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग स्रोत को जान गए कि स्रोत हमारा दो तरह का होता है।
स्रोत हमारा दो तरह का होता है, दो तरह के स्रोत पाए जाते हैं। कौन कौन सा होगा? एक हो गया डीसी नेचर का, एक हो गया एसी नेचर का, ठीक है। तो यहां पे डीसी का अगर आप कैसे देखें, तो डीसी का अगर वोल्टेज या करंट का ग्राफ होगा तो सीधा होगा, ठीक है, और एसी का यही ग्राफ होगा तो कैसा होगा? इस तरह का होगा। तो डीसी और एसी सोर्स को हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे डीसी और एसी को किसी इंडक्टर के थ्रू जोड़ेंगे। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर क्या होता है तो देखते हैं यहां पे इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। इंडक्टर तो इंडक्टर कुछ नहीं, ये बेसिकली एक क्वाइल होता है जो कॉपर का होता है, कॉपर या हम लोग एल्युमिनियम का भी क्वाइल करते हैं। तो ये यहां पे जो फिगर में देख रहे हैं, ये आपका क्या है? क्वाइल है, ठीक है। इसे किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर ये इसको चढ़ाया जाता है, लेयर लगाया जाता है। तो यहां पे इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इंडक्टर को हम लोग डीसी सोर्स से जोड़े हैं। किस सोर्स से जोड़े हैं? डीसी सोर्स से जोड़े हैं, ठीक है। डीसी सोर्स से जोड़ने पर यहां पे कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही इंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो वो उस इंडक्टर में मैग्नेटिक लाइंस बन जाते हैं, यानी कि वो इंडक्टर जो होता है एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो जो इंडक्टर किसी सोर्स से जुड़ा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होंगे वो डिपेंड करेंगे कि कैसा है स्रोत है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे? सोर्स पे, ठीक है। डिपेंड किस पे करेंगे? सोर्स पे। अगर एसी सोर्स है तो इसका फ्लक्स जो निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा? एसी फ्लक्स निकलेगा। अगर सोर्स आपका डीसी है तो आपका जो फ्लक्स निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा? डीसी निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कैसा सोर्स डाले हैं? डीसी नेचर का डाले हैं। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगे वो डीसी नेचर का निकलेंगे। अगर इस इंडक्टर को एसी के स्रोत से जोड़ते हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं इसको। तो यहां पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जब इंडक्टर को एसी से जोड़ेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इंडक्टर को एसी से जोड़ोगे तो एसी का नेचर कैसा होता है? इस तरह का होता है। ये आपका करंट का ग्राफ है, ये आपका करंट का ग्राफ है टाइम के साथ। तो इसके जो फ्लक्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? एसी नेचर का ही फ्लक्स बनेंगे, ठीक है, एसी नेचर के फ्लक्स बनेंगे। नेक्स्ट क्या है कि यहां पे जो देख रहे हैं हम लोग, यहां पे थंब रूल, कौन सा रूल लगाएंगे? थंब रूल लगाएंगे, ठीक है। आप लोग को बता दें यहां पे हम लोग थंब रूल लगा करके, थंब रूल लगा करके इस इंडक्टर के एन पोल और एस पोल को जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि लाइंस निकल रही है, दैट मीन्स कि ये क्या है? एन पोल है, और इसमें जो फिल्स इंटर कर रहे हैं दैट मीन्स ये साउथ पोल है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, ये जो देखिए जो भी ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, ट्रांसफार्मर एक क्वाइल के रूप में कार्य करता है। इसके पास जनरली एक क्वाइल है, तो क्वाइल के बारे में जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक ट्रांसफार्मर को नहीं जानेंगे, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसे ध्यान से समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जो इंडक्टर है, जो आपका इंडक्टर है उसमें एक वोल्टेज बनता है। क्या बनता है? वोल्टेज क्रिएट होता है इस इंडक्टर में। क्या होता है? वोल्टेज क्रिएट होता है।
इस वोल्टेज को हम लोग एल डी आई बाई डी टी से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? एल डी आई बाई डी टी से। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनता है वो जनरली एल डी आई बाई डी टी से बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या देखें कि जो क्वाइल है, इंडक्टर है, ये एक मैग्नेटिक रूप में कार्य कर रहा है। तो इसके वोल्टेज को हम लोग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में देखें तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? एन डी फाइव बाई डी टी से दिखाते हैं। दैट मीन्स यहां पे करने का अर्थ क्या है कि अगर कहीं पे टर्न है, फेरा की संख्या है, और उस फेरे की संख्या में फ्लक्स क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो उस फेरे में एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। इस फॉर्मूले के कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी क्वाइल में फ्लक्स परिवर्तित हो और उसमें कुछ फेरा की संख्या हो तो उस क्वाइल में क्या होगा, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहां पे ध्यान देने की बात क्या है कि हम लोग यहां पे जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, कि अगर हमारा डीसी नेचर का होगा तो फ्लक्स भी डीसी नेचर को होंगे, यानी कि इससे डीसी नेचर से वीएल बनने वाले नहीं है, डीसी से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो किस सोर्स से बनेंगे? तो एसी स्रोत से बनेंगे। ठीक है, अगर हमारे क्वाइल के एसी सोर्स से जोड़ दिया जाए तो इस एसी सोर्स की वजह से आपका करंट, सॉरी, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। तो यही कारण है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पर कार्य ना करके एसी पे कार्य करता है। याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या सीखे कि जो हमारा इंडक्टर होता है उस इंडक्टर में जो वोल्टेज बनते हैं वो एल डी आई बाई डी टी से या फिर एन डी फाइव बाई डी टी के सूत्र से वोल्टेज बनता है। तो फाइनली अब तक हम लोग क्या सीख चुके हैं कि अगर किसी इंडक्टर को डीसी सोर्स से जोड़ेंगे तो उसके इंडक्टर के क्रॉस इंडक्टेंस वोल्टेज नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एसी सोर्स को जोड़ेंगे जिससे उसके क्रॉस फ्लक्स का परिवर्तन होगा, करंट का चेंजिंग आएगा, और उस करंट के चेंजिंग के आने की वजह से फ्लक्स में चेंजिंग होगा और इस तरह से उसके क्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। अब हम लोग ट्रांसफार्मर को समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर का जो बेसिक था वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बेसिक में क्या समझे कि ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज चाहिए, ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या चीज है भाई, इसको हम लोग थोड़ा इसको दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या चीज? तो ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका क्या है, यह एक क्वाइलिंग किया हुआ है इस तरह से, ये क्वाइल के रूप में है। तो इस क्वाइल को जब हम लोग एसी से जोड़ेंगे, एसी स्रोत से जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब एसी स्रोत से जोड़ेंगे तो आपका करंट एसी नेचर का है। करंट कैसा नेचर का है? एसी नेचर का है। तो करंट एसी नेचर का है तो इसका फ्लक्स भी कैसा नेचर का होगा? एसी नेचर का होगा। तो एसी नेचर का फ्लक्स कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जो ऐसे ही एसी नेचर का फ्लक्स आएगा तो एन डी फाइव बाई डी टी से, डी फाइव बाई डी टी से इसके अक्रॉस एक वोल्टेज उत्पन्न होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो इसे हम लोग समझते हैं कंस्ट्रक्शन से कैसा होता है। तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं, कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस जो पार्ट को देख रहे हैं, इस चिमनी मट्टी का बना होता है जिसको हम लोग बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है बुशिंग बोलते हैं। बुशिंग करता क्या है कि जो टर्मिनल्स होते हैं, जो कंडक्टर क्वाइल किए हुए हैं, क्वाइल का जो टर्मिनल है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इस पार्ट को, यहाँ पे वाइंडिंग चढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ये आपका बाहर का पावर ट्रांसफार्मर है, ये बाहर में प्लेट की तरह देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं ना रेडिएटर, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटर। ठीक है, यहाँ पे एक कंजर्वेटर लगा हुआ है, ये आपका ब्रीदर है जिसमें सिलका जल भरा होता है,
और ये क्या एक्सप्लोशन वेंट है, इसके इस सारे के फंक्शन अलग अलग हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को जानेंगे, इसके पार्ट को अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपका ट्रांसफार्मर अंदर से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, यही मेन आपका पॉइंट होगा, यहीं पे आपका कंसंट्रेशन बना करके ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ये जो ये पतली पतली से आप जो देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं क्रूड, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रूड, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोर, इंग्लिश में इसको कोर बोलते हैं। तो ये किसका बना होता है, ये जो होता है नरम लोहा का बना होता है, किसका बना होगा, नरम लोहा का बना होगा, ठीक है, नरम लोहा का बना होगा। तो इस क्रूड पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस क्रोड पे आपका क्वाइल किया हुआ है, इस क्रोड पे क्या किया हुआ है, क्वाइलिंग किया हुआ है इस तरह से। तो ये क्वाइलिंग जो किया हुआ है वो तांबे के हो सकते हैं या फिर एल्युमिनियम के हो सकते हैं। यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे जो देख रहे हैं कि यहां से हम लोग स्रोत को जोड़ दिए, यहां से हम लोग स्रोत को जोड़ दिए, ठीक है, स्रोत को हम लोग जोड़ दिए। जैसे ऐसी स्रोत को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे धारा प्रवाहित होगी, वो कैसा नेचर का होगा, एसी नेचर का होगा। अभी हम लोग क्या समझेंगे, समझे हैं कि अगर कहीं पे क्वाइल किया हुआ है और वहां पे धारा में परिवर्तन हो डीआई बाई डी टी से, तो जाहिर सी बात है उसके क्रॉस वोल्टेज बनेगा। तो पहला स्टेप क्या समझेंगे, पहला स्टेप हमने यह समझा कि जैसे ही किसी क्वाइल से एसी नेचर का धारा बहता है, जैसे ही किसी क्वाइल से एसी करंट बहता है तो एसी फ्लक्स आएंगे, और एसी फ्लक्स की वजह से इस क्वाइल के क्रॉस एक वोल्टेज आ गया जिसको हम लोग बोलेंगे ई1। पहला काम क्या हुआ कि एसी सोर्स जुड़ा, एसी सोर्स के जुड़ने की वजह से किस फॉर्मूला के द्वारा, तो VL बराबर डी आई बाई डी टी के क्रॉस, डी टी के सूत्र से, या फिर बोले तो डी फाई बाई डी टी। इस सूत्र के माध्यम से हमारे पास इस क्वाइल के पास एक वोल्टेज मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज, और इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। कौन सा, प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। एक टर्म यूज होते हैं प्राइमरी और दूसरा वर्ड यूज होते हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कहने का अर्थ क्या होता है भाई, कि जो इसमें जनरली क्या देख रहे हैं कि दो कॉइल देख रहे हैं, एक इधर कॉइल का है और ये दूसरे साइड का कॉइल है। तो जो कॉइल सोर्स से जुड़े होंगे, जो कॉइल सोर्स से जुड़े होंगे उस कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, ठीक है, और जो कॉइल लोड से जुड़े होंगे, जैसे लोड में हमारा क्या हो सकता है, कोई मोटर हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई लाइट ट्यूब हो, ट्यूबलाइट हो सकता है, तो जो कॉइल लोड से कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्राइमरी कॉइल से क्या जुड़ता है, तो सोर्स जुड़ता है, प्राइमरी कॉइल से क्या जुड़ता है, सोर्स जुड़ता है, और सेकेंडरी कॉइल से क्या जुड़ता है, लोड जुड़ता है, ठीक है। और जनरली प्राइमरी क्वाइल को हम लोग जो फेरा की संख्या होता है वो N1 से दिखाएंगे, और सेकेंडरी क्वाइल का जो फेरा की संख्या हो गया उसे N2 से दिखाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो प्राइमरी क्वाइल है, तो प्राइमरी क्वाइल में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है उसे प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे, और जो वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होगा उसे सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे। तो यहां हम लोग का कहां तक पहुंच गया है कि हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि जैसे ही एसी सोर्स को जोड़ा तो यहां से एसी करंट बहा, एसी करंट की वजह से एक इंड्यूस्ड वोल्टेज ईएमएफ आ गया। अब क्या होगा, इस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण इस क्रोड में एक फ्लक्स क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो फ्लक्स है इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, इस फ्लक्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। तो आपसे एक ट्रांसफार्मर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यहां जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है
एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे वो म्यूचुअल फ्लक्स के कारण होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग किस पॉइंट को समझे कि जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला हमारे पास तैयार हुआ वो म्यूचुअल फ्लक्स को क्रिएट किया, और यही म्यूचुअल फ्लक्स इस क्वाइल से जाकर के लिंक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वाइल से क्या होगा, लिंक होगा। लिंक होने के कारण इसमें भी फॉर्मूला आएंगे क्या, v बराबर एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां जो फ्लक्स है ये इस क्वाइल से क्या किया, लिंक किया। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स लिंक किया इससे ये भी नेचर का एसी नेचर का फ्लक्स होगा। जाहिर सी बात है, जब आपका सोर्स एसी नेचर का है तो फ्लक्स भी कैसा नेचर का होगा, एसी नेचर का होगा। तो एसी नेचर का फ्लक्स सेकेंडरी क्वाइल से जब लिंक किया इसमें भी सेकेंडरी वोल्टेज बन गए। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको किससे दिखा रहे हैं हम लोग, ई से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, ई टू से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे एक ए साइड से प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक वोल्टेज को पा लिए। कैसे पा लिए, कैसे समझेंगे, कि सबसे पहले सोर्स को जोड़ा, एसी सोर्स को जोड़ा, एसी सोर्स से एसी करंट बना, एसी करंट जब इसमें क्वाइल में लिंक किया तो एसी वोल्टेज बना, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 बोलेंगे। इस प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इस म्यूचुअल फ्लक्स को क्रिएट किया, ये म्यूचुअल फ्लक्स इस सेकेंडरी क्वाइल में क्या किया, लिंक किया, जिससे इसमें सेकेंडरी ईएमएफ E2 बन गए। तो फाइनली हम लोग प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड तक वोल्टेज को पा लिए, और यही जो E2 है इस लोड के अक्रॉस आएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। आगे क्या देखना है कि यहां जो हम लोग एक चीज और ध्यान से समझे, तो इस बात को गौर कीजिएगा कि जो प्राइमरी साइड जो वोल्टेज बन रहा है वो उसमें फेरा की संख्या अगर N1 मान ले, तो यहां से N1 इंटू D5 बाई DT से डेल्टा टी हो या फिर DT हो, दोनों एक ही चीज है, यहां पे कर लेंगे। लेकिन यहां पे एक ये फॉर्मूला भी देख रहे हैं हम लोग, यहां पे एक फॉर्मूला देख रहे हैं ND φm लिखा हुआ है। ये φm क्या है सर, ये φm आपका म्यूचुअल फ्लक्स है। ये φm क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स है। इसी म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से किसमें जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल में। कहां जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल में, या सेकेंडरी सर्किट बोले तो सेकेंडरी सर्किट में। यहां पे आपका इसका ईएमएफ तैयार हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी साइड इसका ईएमएफ तैयार हो रहा है। तो प्राइमरी साइड में हम लोग क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूला से प्राइमरी साइड में। ठीक है, इस फॉर्मूला से प्राइमरी साइड में, इस फॉर्मूला से हमारे साइड प्राइमरी साइड में आ रहे हैं, और इस फॉर्मूला से हमारे पास सेकेंडरी में आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे हम लोग फाइनली देख रहे हैं कि जैसे ही ये E1 आया वोल्टेज, ठीक है, जैसे हमारा वोल्टेज E1 आया, उसके बाद इस E1 से IM म्यूचुअल फ्लक्स को बनाने में जो करंट लग रहा है IM है, और यहां प्राइमरी साइड जो टर्न है N1 है, सेकेंडरी साइड जो टर्न है वो N2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लोड के क्रॉस वोल्टेज पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे क्या समझेंगे कि यहां पे हम लोग जो देखे कि एक टर्म आ रहा था टर्न वन का N1 और N2 का, एक आ रहा था N1 और N2 का। ठीक है, N1 और N2 को कैसे समझे कि ये जो प्राइमरी साइड में फेरे की संख्या होगा उसको N1 से दिखाएंगे, और सेकेंडरी साइड में जो फेरे की संख्या होगा उसे N2 से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ट्रांसफार्मर को जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ग्रुप में पढ़ते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कहने का मतलब क्या है कि जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो घट जाएगा। इसमें यहाँ पे वोल्टेज के मान क्या होगा, घट जाएंगे, और करेंट के मान क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टेप अप में क्या होता है कि वोल्टेज के मान बढ़ जाएंगे और करेंट के मान घट जाएंगे। ये किसके क्रॉस वोल्टेज और करंट की बात हो रही है सर, ये जो वोल्टेज और करंट बात हो रही है ये आपके लोड के क्रॉस बात हो रही है,
ये किसके क्रॉस बात हो रही है, लोड के लिए, ठीक है। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं E2, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं और करंट घट जाते हैं, स्टेप डाउन में वोल्टेज घट जाता है और करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो घरों में बिजलियां आती है 11,000 वोल्टेज से 450 या 250 वोल्टेज, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होंगे? जाहिर सी बात है वोल्टेज घट के मिल रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होंगे। हमारे नजरों में जो पोल पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए एक और चीज जैसे समझेंगे टर्म के हिसाब से, कि चूंकि फॉर्मूला के हिसाब से इसे कैसे समझेंगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से इसे समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, जो वोल्टेज देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, N d∅ d t, यानी कि जैसे जैसे हम लोग टर्न के फेरा की संख्या बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की संख्या भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि जैसा टर्न वैसा वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ स्टेप अप की बात की जाए, तो स्टेप अप की बात की जाए तो जाहिर सी बात है लोड के क्रॉस N2 होगा टर्न। तो स्टेप अप करने का मतलब क्या, वोल्टेज बढ़ के मिल रहा है, तो वोल्टेज बढ़ के मिल रहा है इसका टर्न का फेरा की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, फेरा की संख्या आपका ज्यादा होगा प्राइमरी साइड से, ठीक है। और स्टेप डाउन की बात की जाए तो स्टेप डाउन कैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है इधर वोल्टेज कम मिलने वाला है सेकेंडरी साइड, तो इसका फेरा की संख्या भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन। एक और ट्रांसफार्मर का प्रकार देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन जनरली हम लोग ओवरव्यू ग्रुप में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर का जो प्रकार देखेंगे वो एक होता है कोर टाइप, एक होता है कोर टाइप और दूसरा होता है सेल टाइप। इन दोनों को समझेंगे, कोर टाइप सेल टाइप क्या होता है। कोर टाइप में होते हैं कि ये जो हमारा वाइंडिंग है, ये जो अलग अलग लेग्स, इसको बोलते हैं लेग, इसको क्या बोलते हैं, लेग्स या लिंब बोलते हैं, ठीक है। लिंब भी ट्रांसफार्मर की भाषा में लिंब भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे लेग भी बोल सकते हैं। तो कोर टाइप में क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लिंब्स पे इसका वाइंडिंग किया हुआ है, लेकिन सेल टाइप में क्या देख रहे हैं कि सेल टाइप में कॉमन लिंब पर वाइंडिंग किया हुआ है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉमन लिंब पे वाइंडिंग किया हुआ है। एक चीज और यहाँ पे गौर करेंगे कि एलवी जो है, एक एलवी क्या है, लो वोल्टेज, एलवी क्या है, लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं कि कोर के नजदीक लगाते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के लगाएंगे। उसके बाद देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान करते हैं इसे। ये मान के चलो कि आपका लिंब है, ये आपका लिंब है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पतली सी इंसुलेशन डालेंगे, वो किस किसका होगा, तो एलवी इंसुलेशन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलवी इंसुलेशन लगाएंगे, ठीक है। एलवी इंसुलेशन लगाने के बाद आप क्या करोगे कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस पे वाइंडिंग करोगे, ठीक है। लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बाद इंसुलेशन डालेंगे, इसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, इंसुलेशन डालेंगे। तो क्या डालेंगे, एच वी इंसुलेशन डालेंगे। कैसा इंसुलेशन डालेंगे, एच वी इंसुलेशन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर से, ठीक है, यहाँ पे आप वाइंडिंग चढ़ाओगे, तो एच वी वाइंडिंग। दैट मीन्स कि क्या, कि जो कोर के पास जो होता है, कोर के नजदीक होता है वो लो वोल्टेज होते हैं और अपर साइड में आपका हाई वोल्टेज कॉइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हुआ आपका, दूसरा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यह थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, ये आपका किस किस प्रकार का है, थ्री फेज है, ठीक है। जो हमारे पास आते हैं वो जो फेज के रूप में आते हैं एसी पावर, ठीक है, उस पोल पे आप इस तरह से देखे होंगे वायर पास करते हैं, तो ये हमारे पास थ्री फेज होते हैं। एक होता है आर, दूसरा होता है वाई और तीसरा होता है वी, ठीक है, थ्री फेज होते हैं। तो यहाँ पे थ्री फेज हैं, तो रेड कलर जो है वो हाई वोल्टेज के लिए वाइंडिंग किया हुआ है। रेड फेज क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, रेड क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। और ये जो ब्लू देख रहे हो, ये ब्लू जो क्वाइल किया हुआ है गोल गोल ऐसे ऐसे, ये ब्लू कलर का कौन सा है, लो वोल्टेज होंगे, कौन सा वोल्टेज होंगे, लो वोल्टेज कॉइल होंगे, ठीक है। तो ये आपका थ्री लिम्स है, थ्री लिम्स हो गए, और ठीक है थ्री लिम्स हो गए। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर तैयार है। तो यहाँ पे एक चीज फाइनली देख ले, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो देखो
जब प्राइमरी करंट आई वन फ्लो किया इससे फ्लक्स फाइव वन बना, ठीक है। तो फाइव वन जो फ्लक्स बना तो देख रहे हो कुछ फ्लक्स जो है ये एयर के थ्रू पास कर गया, इधर एयर के थ्रू क्या कर गया, पास कर गया। तो ये जो बाहर से जो फ्लक्स देख रहे हो इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। इससे कैसा फ्लक्स बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स आपका एनर्जी कंजर्वेशन में काम नहीं करता है, एनर्जी कंजर्वेशन में काम नहीं करता है। तो कौन सा एनर्जी कंजर्वेशन में काम करता है, तो म्यूचुअल फ्लक्स, ठीक है। वो म्यूचुअल फ्लक्स फिर सेकेंडरी साइड में जैसे लिंक करता है तो कुछ यहां पर भी लीकेज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्या है, ये इसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। कैसा फ्लक्स बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। फाइनली एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे ही हम लोग एसी करंट देते हैं, एसी करंट देने से हमारा एसी फ्लक्स बनेगा। एसी फ्लक्स से जो उसमें क्वाइल है उसमें ND5DT के सूत्र से, फैराडे के नियम से हमारा वोल्टेज क्रिएट हो गया जिसको इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलते हैं, और ठीक है। और ये जो आप ऐसे देखते हो इसको बोलते हैं कफलिंग। ये जो आप पैरेलल दो लाइन देखते हो ये क्या है, कफलिंग किया हुआ होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को मैग्नेटिकली कपल्ड किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर के जो दो क्वाइल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।